कभी मैंने सोचा नहीं था कि मैं पॉलिटिक्स में आई वुड कम सो अर्ली इन लाइफ. कभी आई वॉज नेवर इंटेंडेड टू बी अ पॉलिटिशियन. मतलब पॉलिटिक्स की तरफ मेरा कोई रुझान उस समय तक नहीं था, लेकिन सडन टर्न ऑफ इवेंट्स की वजह से पार्टी ने हमको डिक्लेयर कर दिया कैंडिडेट. उसके बाद एक तरीके से कहिए कि आई वॉज पॉलिटिक्स वॉज थ्रस्ट अपॉन मी. मुझे एक तरीके से पॉलिटिक्स जो है मैं, लेकिन जब पॉलिटिक्स में आ गए तो उसका एक अलग चार्म है, क्योंकि मैं MLA हुआ, उसके सब्सिक्वेंटली एक साल के बाद मैं कैबिनेट मिनिस्टर हो गया मुलायम सिंह यादव जी की कैबिनेट में. और जो मुझे दिया गया जो है विभाग, वो भी एनवायरनमेंट था, पर्यावरण. वो भी मुझे लगता है कि बहुत ही इंटरेस्टिंग और बड़ा चैलेंजिंग जॉब उस समय भी मेरे लिए जो है दिया गया था. लोगों के जहन में जरूर होगा कि नेता की जिंदगी गाड़ी बंगला आगे पीछे लोग, लेकिन उसकी पारिवारिक जिंदगी हमेशा जो है कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि नेता दिन भर पब्लिक में रहता है, तो जो उसकी व्यक्तिगत जिंदगी है कहीं ना कहीं वो प्रभावित होती है. लेकिन मैं चाहता जरूर हूँ कि हमारी जो नया यूथ है वो पॉलिटिक्स में आए, क्योंकि पॉलिटिक्स में आज जरूरत है साफ सुथरे पढ़े लिखे लोगों की. जब तक हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं देंगे तब तक हम पोल्यूशन पर, और एक तरीके से कहें कि पोल्यूटेड सिटी में हम बने रहेंगे, क्योंकि वर्ल्ड ओवर जहां पर भी एक डेवलप्ड ट्रांसपोर्ट है वहां पर पोल्यूशन का लेवल कम है. मुझे लगता है कि इलाहाबाद इस दौड़ में कुछ पीछे छूट गया, लेकिन आई एम होपफुल, क्योंकि इधर 5 सालों में हम लोगों ने कुछ प्रयास किया है. एक सरस्वती हाईटेक सिटी लाए हैं, जहां पर हम एक IT पार्क भी ला रहे हैं, एक बड़ा हॉस्पिटल भी ला रहे हैं, एक तरीके से कहिए तो काफ़ी जगह हमको वहां पर जो मिल गई 1200 एकड़, एक नई यूनिवर्सिटी भी ला रहे हैं, स्टेट यूनिवर्सिटी, जिसका मॉडल हमने रखा है. कोई कुछ चीज़ को हम रेप्लिकेट तो नहीं कर सकते, लेकिन मॉडल हमने हार्वर्ड जैसा रखा है.